योग निद्रा परम पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती परमहंस द्वारा आधुनिक युग में सरल वैज्ञानिक रूप में विकसित की गई एक अत्यंत गूढ़ तंत्र की प्राचीन क्रिया है। इसके अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर संकल्प शक्ति को जागृत कर दूसरे की संकल्प शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं और उस शक्ति का प्रयोग कर उसके आचार विचार दृष्टि कुल भावनाओं और संपूर्ण जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इससे शरीर के शक्तिशाली केंद्रों चक्रों को उत्तेजित कर प्राणिक नाड़ियों के अनुरूप विद्युत प्रवाह को दूर कर गतिशील बनाया जा सकता है जिससे शक्ति का स्तर ऊपर उठ जाता है। फलत रक्तचाप सामान्य हो जाता है, नर्वस डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। हमारे अल्पचेतन अचेतन मन में पैदा संस्कारों को जगा कर बाहर निकालने का योग निद्रा एक शक्तिशाली पद्धति है। यह मात्र हमारे असाध रोगों से हमें मुक्ति ही नहीं दिलाता बल्कि हमें अपने मूल शक्ति के स्रोत आत्मा से जुड़कर महामानव बनाने की विद्या है। आइए हम परम पूज स्वामी सत्यानंद सरस्वती परमहंस के सानिध्य में इस अत्यंत गूढ़ तंत्र की प्राचीन योग निद्रा का अभ्यास कर लाभ उठाए। प्रस्तुत करता भोला भगत। का ख्याल रखना।
जब मैं योग निद्रा में मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि तुमको भी वैसे बोलना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं बोलता जाऊंगा और तुम उसका चिंतन अनुचिंतन अपने मन में करते जाना। मैं शरीर नहीं हूं जो यहां पर लेता है, मैं इस शरीर को देखता हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं आंख को देखता हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं नाक को देखता हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं कान को देखता हूं, मैं दाहिना हाथ नहीं हूं, दाहिने हाथ को देखने वाला हूं, मैं बायां हाथ नहीं हूं, मैं बायां हाथ का दृष्टा हूं, मैं दाहिना पैर नहीं हूं, मैं दाहिने पैर का दृष्टा हूं, मैं बायां पैर नहीं हूं, मैं बायां पैर का दृष्टा हूं, मैं अपने सारे शरीर को देखता हूं, मैं श्वास प्रश्वास नहीं हूं, मैं श्वास प्रश्वास को देखता हूं, मेरी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, मैं देखन हारा हूं, मैं दिल की धड़कन नहीं हूं, मैं दिल की धड़कन का देखन हारा हूं, मैं जीवन प्राण नहीं हूं, मैं जीवन और प्राण का साक्षी हूं, देखता हूं। जिस प्रकार ये स्वामी यहाँ बैठ कर तुमको देखता है, उसी प्रकार तुम अपने को देखने वाले हो और इंद्रियों से अलग हो, शरीर से भी अलग हो, प्राणों से भी अलग हो, विचारों से भी अलग हो, योग निद्रा से भी अलग हो और तुम्हारा शरीर जमीन पर सोया हुआ है। इस शवासन में पड़े हुए इस शरीर के अंदर देखने वाला दृष्टा आत्मा कहता है कि मैं एक संकल्प करूंगा, क्योंकि जीवन में संकल्प जरूर होना चाहिए। कहीं भी जाते हो तो लक्ष्य होता है, कुछ भी करते हो तो लक्ष्य होता है, वैसे ही जीवन का भी लक्ष्य होता है और उसी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना पड़ता है। रोग का संकल्प, रोग मुक्ति का संकल्प शुद्ध संकल्प है, व्यसन मुक्ति का संकल्प शुद्ध संकल्प है, आचार विचार सुधारने का संकल्प शुद्ध संकल्प है, महान बनने का संकल्प शुद्ध संकल्प है। केवल एक संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए और वह इस प्रकार होना चाहिए, मैं इस शरीर इंद्रियां मन
चंद्र सूर्य तारे सबको देखने वाले आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा संकल्प होगा। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समग्र विश्व का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। इस संकल्प के साथ तुम योग मुद्रा शुरू करोगे। शुद्ध संकल्प रहित योग मुद्रा, यह महान संकल्प है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। यह महान संकल्प है। जिस अंग पर मैं मन को रखने को बोलूंगा, जट पर उसका ख्याल करना। मन में उच्चारण करना। शरीर गिराना नहीं, सोना नहीं, और मेरी बात बराबर सुनते रहना। कभी कभी साफ सुनाई देगी, कभी कभी हल्की सुनाई देगी, कभी कभी सफल वक्त सुनाई देगी। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, हथेली, कलाई, केवनी, कंधा, दाहिनी बगल, कमर, दाहिनी जान, घुटना, पिंडली, कटना, एड़ी, कलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी, पांचवी। अब चलो बाएं तरफ, सुना नहीं, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, और धीरे धीरे मन में मेरी बात को दोहराना और ख्याल करना। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, बाएं हथेली, कलाई, केवनी, बाया कंधा, बगल, कमर, बाई जांघ, घुटना, पिंडली, तखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसी अंग न्यास क्रिया को अब तेजी से दोहराता हूँ, और तुम तेजी से इसका पीछा करो। सोना नहीं, नींद को रोको, मेरी बात सुनते जाओ, और फिर
का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, केवली, कंधा, बगल, कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी। सोना नहीं, मेरी बात सुनते जाना और धीरे धीरे मेरी बात करते जाना। बाएं तरफ चलो, थोड़ा जल्दी करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, केवली, कंधा, बगल, कमर, जांघ, घुटना, सिंदली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी, अंगुलियां छुआ पूरा। सोना नहीं, योग विद्या का सीक्रेट सोना नहीं, करने वाले की आवाज सुनते जाना, कराने वाले की आवाज सुनते जाना। समझ में आवे थी और नहीं आवे तो भी थी। दाहिना हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा, सीना, पेट, दाहिना पुट्ठा, बायां पुट्ठा, पूरी पीठ, दाहिना नितंब, बायां नितंब, दाहिनी जांघ, बाईं जांघ, दाहिना पैर पूरा, बायां पैर पूरा, दोनों पैर एक साथ, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दोनों आंखों के बीच में भूमध्य, पूरा कपाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना कपोल, बायां कपोल, दाहिने नासिका रंध्र, बाएं नासिका रंध्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठ एक साथ, ठुड्डी, दाहिना कंधा, बाएं कंधा और दोनों कंधों के नीचे दाहिना कॉलर बोन और बायां कॉलर बोन, सिर के पीछे का हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, जमीन को जो छू रहा है सिर के पीछे का हिस्सा और पूरा सिर और पूरा सिर, पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर को देखो, पूरे शरीर का ख्याल करो, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर जमीन पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है और जमीन को छू रहा है। ध्यान से सुनना, शरीर और जमीन जहाँ पर छूते हैं उस जगह पर मन को ले जाओ। शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है, शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है उस जगह पर अनुभव करो। देखो, दाहिनी एड़ी और जमीन, बाईं एड़ी और जमीन, दायां नितंब और जमीन, बायां नितंब और जमीन,
दाहिनी हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, बाई हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, दाहिना कंधा और जमीन, बाया कंधा और जमीन, पुट्ठे दोनों और जमीन, शरीर सिर के पीछे का हिस्सा और जमीन। इस प्रकार सारा शरीर भूमि का स्पर्श करता है। वह जो स्पर्श बिंदु है उस स्पर्श बिंदु का अनुभव करो। शरीर और पृथ्वी जहाँ पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, शरीर और जमीन जहाँ पर एक दूसरे का संपर्क करते हैं, उस पॉइंट का ख्याल करो, उसका अनुभव करो। अब शरीर के अंदर में जो चक्र है उनका ख्याल करना होगा। यह बहुत आवश्यक है। तुमको कहा मेरी बात सुनते रहना। अभी तक कहता था कि सुना नहीं, मगर तो भी कुछ कुछ लोग सुनने लग गए हैं। इसलिए अब बोलता हूँ, सो तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी बात सुनना। अपने मन को बाहर रखना, मेरी बात सुनना और सुनना। सोना नहीं सोना तुम्हारी मर्जी, जानना नहीं जानना तुम्हारी मर्जी, मगर बात तुमको मेरी सुननी पड़ेगी और उसके मुताबिक अंदर में क्रिया करनी पड़ेगी। सबसे नीचे मल और मूत्र द्वार के बीच में मध्य भाग में अपने मन को ले जाओ। इसका नाम है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के सबसे नीचे के हिस्से में आगे जहाँ लिंग मूल होता है उसके पीछे मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में वहाँ अपने मन को ले जाओ। उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि के पीछे मेरुदंड में अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है मणिपुर चक्र। हृदय के पीछे मेरुदंड के अंदर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है अनाहत चक्र। कंठ के पीछे गर्दन में थर और सिर के जॉइंट पर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है विशुद्ध चक्र। दोनों भावों के बीच में जो जगह है उसके ठीक पीछे पीछे के ब्रेन में जो अभी जमीन को छू रहा है उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके ऊपर जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं वहाँ पर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है बिंदु विसर्ग। और ऊपर सामने की खोपड़ी में जहाँ पर बचपन में सिर थोड़ा खुला रहता है, ढीला रहता है, कोमल रहता है, उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है सहस्र दल कमल। अब फिर से इसको तुमको सिखलाता हूँ। नीचे जाओ, पुरुषों के शरीर में मल और मूत्र द्वार के बीच में जो शुक्र नाड़ी है, स्त्रियों के शरीर में गर्भाशय के मुख के पीछे मूलाधार चक्र है। जाओ, अपने मन को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्थापित करो। मूलाधार चक्र और उसके ऊपर मेरुदंड के अंतिम भाग में जहाँ सामने लिंग मूल है, जहाँ योनि मूल है, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में है स्वाधिष्ठान चक्र। सामने नाभि है, नाभि के पीछे मेरुदंड के अंदर स्थापित है मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र। हृदय के पीछे दोनों छाती के नीचे जो गड्ढा रहता है उसके पीछे मेरुदंड के अंदर में एक अद्भुत चक्र है, वह है अनाहत चक्र, वह है
हृदय चक्र वह है भावना भक्ति का चक्र, वहां अपने मन को जल्दी ले जाओ। कंस के पीछे जहां सिर और धड़ का संगम होता है वहां पर अद्भुत चक्र है, उसका नाम है विशुद्ध चक्र और वह कालकूट को पचाने वाला चक्र है। वह कालकूट विष को पचाने वाला चक्र है और अमृत को तैयार करने वाला चक्र है, उसका नाम है विशुद्ध चक्र। और ध्रुव मध्य के पीछे सिर के पार्श्व भाग में पिछले भाग में पश्चिम भाग में जो तुम्हारा सिर जमीन का स्पर्श कर रहा है उसके अंदर मेरुदंड के सर्वोपरि भाग में जो चक्र स्थापित है वह सब का कंट्रोल करने वाला आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है, त्रिनेत्र चक्र है, शिव चक्र है, रुद्र चक्र है, नाम अनेक पीठ है। जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं वहाँ पर एक चक्र है, वहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है बिंदु स्थल। यहाँ से अमृत टपकता है, बिंदु स्थल यहाँ से अमृत टपकता है, यह चंद्रमा का चक्र है। और सिर के सामने ऊपर की खोपड़ी के नीचे अंदर में जहाँ बचपन में सिद्धार्थ कोमल रहता है उसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर सर्व श्रेष्ठ महाशक्तिशाली चक्र है, उसका नाम है सहस्रार चक्र, सहस्र दल कमल, परम शिव का स्थान। अब मैंने बतला दिया, दोहराऊंगा, समझाऊंगा नहीं, चटपट करना। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार। अब धारणा शुरू होती है, चौकन्ने हो जाओ, कराने वाले की बात सुनते जाना, अपने अंदर में धारणा करते जाना और अपने अंदर में ये जो धारणा तुम करोगे वो बहुत तेजी से होनी चाहिए, जोर लगाना नहीं। मैं नाम बोलते जाऊंगा, अपने अंदर बहुत गति से वेग के साथ तुमको चित्र बनाने होंगे। गुलाब का फूल, आम का पत्ता, पूर्णिमा का चंद्रमा, उगता हुआ सूरज, अंधेरी रात, चमकते हुए तारे, उमड़ते बादल, घना जंगल, पक्षियों का कलरव, प्रातः कालीन सूर्य का उदय, दोपहर को चमकता हुआ सूर्य और गगन, पूर्णिमा का चंद्रमा, तुलसी का पत्ता, अकेली गाय, बहती हुई नदी, नदी का किनारा, किनारे पर रेत, रेत पर नरकंकाल, नदी बह रही है, नदी पर नौका, नौका पर विहार करते हुए थोड़े से लोग, घना जंगल, जंगल में पक्षियों का कलरव और उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया, कुटिया गोबर
कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक साधु महात्मा और घना जंगल, बहती हुई नदी, दौड़ता हुआ कुत्ता, तुलसी का पत्ता, आम का फल, बेल का फल, शिवलिंग, एक छोटा सा बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर, उसके मंदिर के दरवाजे पर छोटी सी घंटी और घंटी में से निकलती हुई आवाज और उसके अंदर छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा शिवलिंग, ये शिवलिंग उसके चारों तरफ पुराने पेड़ के पत्ते, पुराना निर्माल्य पड़ा हुआ है, छोटा सा मंदिर और घना जंगल, उस घने जंगल के बीच में एक कुटिया और उस कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक अवधूत निर्वाण महात्मा, न शरीर में वस्त्र है, न सिर में वस्त्र है, न तन पर वस्त्र है, न भूमि पर वस्त्र है, दिगंबर वेश में महात्मा, जमीन गोबर से पुती हुई, दीवारें गेरू से लिपी हुई, सामने यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि और अग्नि से उठती हुई लपट ज्वाला और उसमें से निकलता हुआ धुआं, धुएं में से निकलती हुई सुगंध और पूर्णिमा का चंद्रमा और चंद्रमा के चारों चारों तरफ छिटपुट छोटे छोटे तारे, तुम्हारा खोपड़ा, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम्हारा सिर, तुम्हारा खोपड़ा, उस खोपड़े के अंदर जाओ, उस खोपड़े के अंदर जाओ अच्छी तरह से, वहां पर एक छोटा सा मन मन दीपक, अपने खोपड़े के अंदर जाओ, उस खोपड़े के अंदर छोटा छोटा मन मन जलता हुआ स्थिर दीपक, खोपड़े के अंदर जाओ और खोपड़े के अंदर उस छोटी सी ज्योत को देखो जो बहुत मंद है, जो बहुत स्थिर है, वो दिया है और वो दिया जल रहा है, सर तेरी के साथ जाता हुआ सर और बेल का पत्ता, भरी हुई पानी से भरी हुई गार्डन, सुंदर गांव की स्त्रियां, खेतों में चलते हुए हल, घास काटती हुई देहाती महिला, बोझ ले जाता हुआ मजदूर, सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, सर पर दौड़ता हुआ कुत्ता, शिव का छोटा सा मंदिर और उसमें छोटा सा शिवलिंग और उस शिवलिंग के चारों तरफ पुराना पुराना निर्माण और उस शिव मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लटक रही है और उसमें से आवाज निकल रही है, घना जंगल, उस जंगल के बीच में एक कुटिया और उस कुटिया में बैठे हुए दिगंबर वेश में महात्मा, वह ओम की ध्वनि कर रहे हैं, वह प्रणव की ध्वनि कर रहे हैं, वह इस मंत्र की ध्वनि कर रहे हैं, सारा जंगल ओम से भरा हुआ है, ओम की ध्वनि से मुखरित हो रहा है, ओम की ध्वनि को सुनते जाओ, यह जंगल में गूंज रही है, यह जंगल में गूंज रही है, यह नीरवता में गूंज रही है, यह निस्तब्धता में गूंज रही है, यह ओम की ध्वनि है और यह ओम की ध्वनि है और यह ओम की ध्वनि है, अपने खोपड़े में जाओ, अपने खोपड़े के अंदर जाओ और छोटे से दीपक को देखो, अब मैं तुमको देख रहा हूँ, इस पंडाल में सैकड़ों लोग योग निद्रा कर रहे हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, युवक भी हैं, वृद्ध भी है, कोई सो रहे हैं, सबको ख्याल कर।
थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश करो तो सोचो तुम इस पंडाल के किनारे खड़े हो और सब लोगों को देख रहे हो, क्या मजा आ रहा है। अपने को देखने की कोशिश करो, तुम लेटे हुए हो और खुद अपने को देख रहे हो, लोग लेटे हुए हैं तुम सबको देख रहे हो, और तुम लेटे हुए हो मुझको देख रहे हो। एक संकल्प, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। योग निद्रा हो रही है, सोना नहीं, जागते रहना और मेरी बात सुनते जाना। जब उठाने का बटन होगा मैं उठाऊंगा नहीं, मैं केवल हरिओम दर्शन बोलूंगा। एक बोलने में उठना, नहीं तो सिर्फ दो बार बोलने में उठना, और नहीं तो सिर्फ तीन बार बोलने में उठना। केवल हरिओम दर्शन बोलूंगा और उसी में तुमको उठना होगा। मैं उस आत्मा का देखने वाला हूं जो सारे ब्रह्मांड, मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नतत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः त्वमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपम्